चैनल पर नए देखे सब्सक्राइब का लाल बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की जो कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, BSE पे जो इसका भाव है मई 31 को 2019 1:47 739 रुपये और 16.50 रुपये की अपसाइड है। एक साल का जो लो था 520 रुपये और हाई था 783 रुपये। इस स्टॉक के बारे में, ये अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन कंपनी है दोस्तों। स्टैंडर्ड लोन के चार्ट पे हम मार्केट कैपिटल है इसका, एक लार्ज कैप कंपनी है 46,360 करोड़ की। अर्निंग पर शेयर है 12.65 एंड पी है 58.59, इंडस्ट्री पी है 49.53। डिलीवरेबल है, डिलीवरी है इसकी 27.71% के आसपास। फेस वैल्यू रह गई है एक की और प्राइस टू बुक है 10.93 की। तो मैं इस स्टॉक के बारे में इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि तो इसके क्वार्टरली जो Q4 के रिजल्ट्स थे फाइनेंशियल ईयर 2019 के, वो भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। प्लस क्या इस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्या इस स्टॉक के 10 सालों के रिटर्न थे, वो मैं सब बताने वाला हूँ। और एज़ पर जैसे कि इनका मैनेजमेंट है, जैसे इनकी ग्रोथ है, जैसे इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको एक गुड क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है इस साइट पर। और इसी के तहत अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ है तो यहाँ 16.34% के आसपास है 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ जो है। EBIT ग्रोथ है 12.85% के आसपास है ना, और ROCE है इसका 35.02% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.26% और इंडस्ट्री में अपनी नंबर वन है। उसके बाद देखिए अभी पोलीकैब इंडिया भी रिसेंटली अप्रैल में लिस्टेड हुई थी, वो भी एक बेहतरीन स्टॉक है। उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसके भी रिजल्ट्स आएंगे जब भी नेक्स्ट, तो मैं ऑफकोर्स बनाऊँगा। देखिए KEI ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। तो डिपेंड है कि कौन किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, किसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, किसके नहीं आए, कौन सी कंपनी बेहतरीन कर रही है। तो पहले मैं हैवेल्स इंडिया के बारे में बात कर लूँ कि वैल्यूएशन अभी इस पर फिलहाल क्या है। देखिए वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि ये प्राइस टू अर्निंग के रेशियो के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखा रहा है। एक्सपेंसिव दिखाने का मतलब इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट अ फाइनल डिसीजन ये साइट का। ये आपकी अपनी सूझबूझ है, आपकी अपनी रिसर्च है कि कंपनी क्या करती है। तो प्रोडक्ट्स में अगर हम चलते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। देखिए कंपनी करती क्या है, उन कस्टमर्स के लिए भी बता रहा हूँ जो इसके बारे में नहीं जानते। फैंस, लाइटनिंग अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, स्विचेस, स्विच गियर्स, वाटर हीटर, फ्लेक्सिबल केबल्स, एयर कूलर पंप, पर्सनल ग्रूमिंग, वाटर प्यूरिफायर, सोलर। तो अगर हम इंडस्ट्रियल पे जाते हैं तो वायर एंड केबल्स, मोटर्स, हैवी ड्यूटी फैंस, सोलर, स्विच गियर्स, प्रोफेशनल लाइटिंग। तो एज पर जहाँ पे ये एक तरफ इंडस्ट्री के लिए भी जहाँ प्रोडक्ट्स बनाते हैं हैवी केबल्स, बड़े बड़े केबल्स, और वहीं एक तरफ घर के लिए भी जो डोमेस्टिक में यूज़ होते हैं वहाँ भी स्विच केस वगैरह बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वाटर प्योरीफायर हो, चाहे LEDs हो, अगर आपको अपने घर में यहाँ पे देखिए जैसे सजा रखा है इन्होंने कि अपने आप को घर को डिज़ाइन करना है छोटी छोटी लाइटों से, डिफरेंट डिफरेंट लाइटों से एक इंटीरियर अच्छा बनाना है लाइट के माध्यम से, तो यहाँ पे देखिए इनके डिज़ाइन लेआउट फ्रॉम द अवर एक्सपर्ट्स, इनके एक्सपर्ट्स भी आपकी हेल्प करते हैं। तो हैवेल्स इंडिया अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं। और अभी हम बताते हैं इनके फाइनेंशियल कैसे रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखते हैं तो दिसंबर 18 में जो नेट सेल्स थी इनकी 2518 करोड़ की, भी मार्च 19 में हो गए 2751 करोड़ की, जो कि यहाँ पे 9.27% की अपसाइड है, दैट्स बेहतरीन। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जहाँ 294 करोड़ दिसंबर 18 में थी, वहीं 322 करोड़ की हो गई मार्च 19 में, जो कि 9.60% के आसपास अपसाइड है। और वहीं नेट प्रॉफिट में सब कुछ लेने देने के बाद जो भी बचता है इनका 195 थी जहाँ दिसंबर 18 में, वहीं हो गई 206 करोड़ के आसपास मार्च 19 में, जो कि 5.70%। और OPM में भी जहाँ यहाँ पे OPM भी इन्होंने सेम मेंटेन किया हुआ है 0.04% की थोड़ी सी अपसाइड है, दैट्स वेरी नाइस थिंग। बट वहीं पे अगर हम इसके एनुअल ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं मार्च 18 से मार्च 19 में, तो जहाँ नेट सेल्स में 8.56% की अपसाइड है, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9.75% की डाउनसाइड है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 8.39% की डाउनसाइड है, वहीं OPM में भी 2.38% की डाउनसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर इनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनको परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे थोड़ा सा हो सकता है कि अगर डाउनसाइड आपको मिलता है, थोड़ा सा और नीचे मिलता है, तो आप ज़बरदस्त खरीदारी करें इसमें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें, क्योंकि आने वाले सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि जो 4-5 साल 10 साल 15 साल ये कंपनी बेहतरीन है और अच्छा आपको रिटर्न इससे मिल सकता है। तो हम रिटर्न 10 सालों के अभी फिलहाल वर्तमान में क्या है वो देख लेते हैं।
10 सालों में इसने 2630% के आसपास का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 282 और 4 सालों में 174% की रिटर्न है, 3 सालों में 103% के आसपास का रिटर्न है और 2 सालों में 51% के आसपास और 1 साल में 35% के आसपास, ईयर टिल डेट 7.06% के आसपास, 6 मंथ्स में 8.27 के आसपास, 3 मंथ्स में 3.73% के आसपास और 1 मंथ और 1 वीक में यहाँ डाउन साइड है, लेकिन 1 डे में 8.5% के आसपास का अपसाइड है। तो रिटर्न आपने 10 सालों में देखे कितने ज़बरदस्त बेहतरीन, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो आपके 27,30,000 हो गए होते। तो इसलिए चाहे पॉली कैब इंडिया हो चाहे हैवेल्स, लेकिन मैं हैवेल्स के लिए अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि हैवेल्स ने अभी अच्छा क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको आने वाले 5 सालों में जो 10 सालों में रिटर्न दिया है 5 सालों में दे देगी क्योंकि अच्छी कंपनी। और शेयर होल्डिंग परसेंट में अगर हम चलते हैं तो प्रमोटर्स के पास है 59.55% के आसपास है, म्यूचुअल फंड्स की इसमें जो है 28 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है 466 यानी 466 27.28% की ज़बरदस्त होल्डिंग बना रखी। देखिए दोस्तों फॉरेनर्स कितने स्मार्ट होते हैं, और इंडिविजुअल हम आप जैसे खुदरा ग्राहक 5.85% के आसपास है जो कि कम है। FIIs ने अपनी जो है होल्डिंग यहाँ इंक्रीज भी की हुई है। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक है ये स्टॉक एक डिविडिंग पेइंग स्टॉक भी है, लास्ट ईयर इसने दिया था आपको करीब 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था, और इस साल भी कितना पे किया है या करेगा वो भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। इनका जो है टॉप सेगमेंट में केबल्स एंड वायर्स 32% के आसपास की आया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इनके 18.98% के और स्विच केयर से 17.2% के, तो एक बेहतरीन कंपनी है। लेकिन हाँ, मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लोग जिनको लगता है कि इस सेक्टर में सॉरी नो डाउट वायर्स एंड केबल्स में हैवेल्स नंबर वन कंपनी है, लेकिन आपका विज़न आपका नज़रिया कम से कम 5 साल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैं आपको बोल दूं कि आप आंख मूंद के स्कूल ले लो, आपने स्टॉक ले लिया 6 महीने में, हो सकता है कि बहुत लो चला जाए, किसी कारणवश सेंसेक्स में कोई बात हो जाए या इस इंडस्ट्री में कोई बात हो जाए। लेकिन अगर हमारा लंबा विज़न होता है तो 1-2 साल 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स डजंट मैटर। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करना पड़ता है, बड़ी बात होती है, नेट सेल्स भी वैसे ही मेंटेन करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से लंबे समय के निवेशक इसमें घुस सकते हैं, या और अगर नीचे के लेवल पे मिलता है किसी कारणवश तो और भी लें और लंबे समय तक के लिए इसमें बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर मशवरा कर लें, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। थैंक यू दोस्तों।